बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने सम्मान में रखे, आपको शाद आबाद रखे। तो आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जंक्शन पे पहुंच चुका हूं और गाड़ी में तकरीबन 5-10 मिनट हैं। तो बहुत ही रश है क्योंकि आज ईद का चौथा दिन है, तो आज कुछ रश कम है जी। तो चलेंगे जी, सीढ़ियां चढ़ के उस तरफ चलेंगे जी, प्लेटफार्म नंबर 2 पे, और हमारी गाड़ी आएगी जी वहीं पे। तो सुबह सुबह का टाइम है जी और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं इस वक्त। अभी जो इन्होंने घंटी बजाई है तो इससे ये लग रहा है कि ट्रेन पहुँचने वाली है। तो ये देखे जी नवाबशाह जंक्शन, तो हम चलेंगे जी इस तरफ। ये प्लेटफार्म नंबर 2 है देखे जी, और ये देखे जी इस तरफ रश ना होने के बराबर है क्योंकि ईद के तीनों दिन बहुत ही रश था, तो उस वजह से आज चौथा दिन है तो आज रश देखे जी। तो चलेंगे विलेज टू कराची, छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं तो चलेंगे जी ड्यूटी पे, ऑन ड्यूटी टाइम। ट्रेन आ चुकी है, फैमिली अभी जो के पहुंच चुके हैं हैदराबाद जंक्शन पे, और ये रहा जी हैदराबाद जंक्शन, जैसे देख सकते हैं जी। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली अभी जो है के लांडी जंक्शन पे पहुंच चुके हैं जी, और ये रहा जी लांडी जंक्शन। तो अभी चलेंगे जी अपने अपार्टमेंट में। मौसम माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त है जी लांडी जंक्शन का, और कराची का मौसम बहुत ही जबरदस्त है। ये हैं जी लांडी जंक्शन, रश बहुत ही है क्योंकि ईद की छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं, तो लोग जो जाप वाले हैं वो जाप पे आ रहे हैं, तो हम भी आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी चलेंगे जी अपने अपार्टमेंट में। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी स्टेशन से जंक्शन से निकल चुके हैं, तो अभी वापसी अपार्टमेंट की तरफ पकड़ेंगे जी टोयोटा और चलेंगे जी अपने अपार्टमेंट में। माशाल्लाह सफर बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही मजेदार था जी। सारे जॉब वाले बंदे लोग हैं क्योंकि कल मंडे हैं, कल से सारे जो डिपार्टमेंट है वो स्टार्ट हो जाएंगे ऑन। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुका हूँ जी फाइनली और चलेंगे जी अपनी अपार्टमेंट में। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ, तो अपार्टमेंट में चलेंगे, रेस्ट करेंगे और इंशाल्लाह उसके बाद नमाज भी पढ़नी है और बाकी दोस्तों से भी मिलेंगे जी। तो बहुत ही जबरदस्त सफर रहा, तो आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और मौसम बहुत ही जबरदस्त है जी कराची का जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी नमाज का टाइम हो चुका है, तो नमाज पढ़ने जाऊंगा, और ये देखे जी मनाज़िर। आज इतवार भी है और ईद की भी छुट्टियां हैं, तो रश बहुत ही कम है लोग क्योंकि घूमने गए हुए हैं, कोई कहां पे घूमने गया कोई कहां पे। तो ये देखें जी स्ट्रीट व्यू देखें जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी नमाज पढ़ के आया हूँ, ये सामने मस्जिद रहा जी,
तो अभी जो है कि कुछ खाएंगे, सोनी स्वीट की जो देसी और सोनी स्वीट की जो लजीज शाम में बनती है सामने, पकोड़े तो नहीं, समोसे मुख्तलिफ वैरायटीज में हैं और नमकीन वगैरह कुछ मीठी चीज़ें, तो इंशाल्लाह वो ट्राई करेंगे जी अभी। जी तो नमाज पढ़ के और कुछ लेके आया हूँ जी, नमकीन चीज़ें खाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी नमाज मगरिब का टाइम हो चुका है, नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। नमाज मगरिब अभी जो है कि देखे कोई भी गाड़ी नहीं खड़ी हुई क्योंकि काफी लोग घूमने गए हुए, तो उस वजह से। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी नमाज मगरिब पढ़ के आ चुका हूँ, तो थोड़ी सी सेटिंग करनी है सामान वगैरह की, और कल ड्यूटी पे जाऊंगा तो वो भी सेटअप करना है जी। जी हाँ जी, नाइट में कराची का स्ट्रीट व्यू आप देख सकते हैं जी, इस तरफ बैठे जी। गुड मॉर्निंग, सुबह वक्त है तो सुबह सुबह का टाइम है और मौसम माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है, और चिड़ियों की जो है मीठी मीठी आवाज़ है। सुबह सुबह का स्ट्रीट व्यू तो चेक करें जी, बहुत ही सुनसान है जी, सुबह सुबह का टाइम है तो रास्ते सुनसान, और अभी जो है कि आस्ते आस्ते जैसे दिन चढ़ता जाएगा रश भी ज़्यादा होती जाएगी, क्योंकि आज पीर हैं तो आज जी काम का दिन, वर्किंग डे, सामने राज पुल फ्लाईओवर जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी रेडी होके और जा रहा हूँ जॉब पे, सुबह वक्त है और ये देखे जी गाड़ी खड़ी है इस वक्त, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है तो तकरीबन ये लोग 9 बजे निकल जाएंगे, कोई ड्यूटी वाला है कोई बिजनेस वाला, तो उस हिसाब से। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो कि नमाज जुहर अदा करके जा रहा हूँ जी ऑफिस, और गर्मी जो है कि काफ़ी हद तक कम है जी कराची में, कराची में गर्मी जो है कि काफ़ी हद तक कम है और मौसम बहुत ही ज़बरदस्त है जी। कराची का व्यू जी, कराची है जाने, कराची कराची है जाने। आके कराची है जाने, यहाँ पे घूमने आओ तो कराची है जाने। फैमिली फैमिली जो पहुंच चुके हैं और ये देखे जी रौनक, तो अभी पहुंचा हूँ जी तकरीबन नमाज ऐसा का टाइम होने वाला है, तो चलेंगे तैयारी करेंगे नमाज पढ़ेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह करेंगे जी ब्लॉग का एंड। टाइम तकरीबन 12 बजने वाले हैं रात के, और ये देखें रात के मनाज़िर जी, रश बहुत ही ख़त्म हो चुकी है, बस थोड़े बहुत जो हैं कि गाड़ी शाड़ी चल रही हैं, क्योंकि कोई घर जा रहा है कोई कहाँ पे।
करता हूँ कि आपको आज का व्लॉग हमारा बहुत ही अच्छा लगा होगा। काफ़ी टाइम के बाद ये व्लॉग अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ मसरूफियात की वजह से और थोड़ा बहुत जो है कि तबीयत में चेंजिंग की वजह से तबीयत भी सही नहीं थी, मज़ा नहीं था वो, तो आज ये व्लॉग एंड कर रहा हूँ। तो आज जो ये है कि विलेज टू कराची बैक टू जॉब, तो उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मोहम्मद सुलेमान नवाब शाह व्लॉगर को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं तमाम जल्द नए सुराग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और हमारी पूरी स्काउट को पूरी टीम को दिए अपने दुआओं में ज़रूर याद रखें, और दिए दिल से इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।